आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है वो मुख्य रूप से इसलिए बुलाई थी कि अब क्योंकि चुनाव आयोग की आचार संहिता लग चुकी है और बहुत सारी कार्रवाई चल रही है पैरेलली, चाहे वो पोलिंग पार्टीज की ट्रेनिंग का बात हो या रैंडमाइजेशन की बात हो, तो उसके लिए आपको सबको ब्रीफ करना था और आपके माध्यम से जो कैंडिडेट्स हैं और जो हमारे मतदाता हैं उनको हम सूचना देना चाह रहे थे, तो उसके लिए हमने बुलाई थी। जो इस बार लोकसभा में मुख्य मुख्य अगर बिंदु अगर मैं नोट कराऊँ आपको, तो उसमें से सबसे पहला बिंदु तो ये है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव में वोटर पर्ची को पहचान का वो माना था पर्याप्त सोर्स, वो इस बार नहीं है। तो कमीशन की ओर से अभी तक जो हमारे पास सूचना है उसमें 11 तरह के दस्तावेज प्लस वोटर आईडी कार्ड उसको पहचान का पत्र माना है, तो वो मतदाता को लाना पड़ेगा अपनी वोट कास्ट करने के लिए। इसके अलावा ईवीएम के प्रति, क्योंकि कमीशन सजग है और ईवीएम्स ही हमारा अल्टीमेटली लोकतंत्र जो हमारा प्रोसेस है, पोल प्रोसेस, उसका मेन कड़ी है, तो उसके लिए जो रिजर्व ईवीएम्स हम देंगे सेक्टर ऑफिसर्स को, सेक्टर ऑफिसर्स की गाड़ी पे इस बार जीपीएस की व्यवस्था की जाएगी ताकि हम ट्रैक कर सकें कि वो सेक्टर ऑफिसर या वो ईवीएम कहाँ कहाँ पे कैसे। सर, चूंकि बाड़मेर और जैसलमेर बहुत दूरस्थ इलाके हैं जिला मुख्यालय से भी, तो कई जगह पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम भी आती है, तो ऐसे भी कई जगह चिन्हित की गई है जहाँ पर नेटवर्क ना हो, जहाँ पर लाइट्स ना हो, जहाँ पे फैसिलिटी ना हो स्कूल्स वगैरह बिल्डिंग्स की। जो आपने कहा उसमें दो तरह की सूचनाएं आपने पूछी, एक तो है एएमएफ की मूलभूत सुविधाओं की, तो मूलभूत सुविधाओं की हमारी चिन्हीकरण हो रखा है और उसमें जो जो आयोग के निर्देश हैं, चाहे वो रैंप के संबंध में हो या बिजली के कनेक्शन के संबंध में हो या फिर टॉयलेट के संबंध में हो, पानी या छाया के संबंध में हो, उसकी पालना हम कराएंगे और उसको हमने वीडियोस के मार्फत और संबंधित विभाग के मार्फत निर्देश भी दे दिए हैं सूचना के साथ। उसके अलावा जो आप कह रहे थे, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर बॉर्डर इलाका है, यहाँ पे कनेक्टिविटी के इश्यूज आज भी हैं, तो उसके लिए जैसे पिछले विधानसभा में हमने लोकल सोर्सेस से बाइक मैसेंजर्स या वायरलेस हेडसेट्स की व्यवस्था की थी, वो हम व्यवस्था कराएंगे सर।